यहाँ ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका मफादात, खित्ते के अमन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर बातचीत हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद बताइएगा, ईरानी सदर और चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान क्या क्या मुज़ाकरात हुए हैं? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। मुलाकात में बुनियादी तौर पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतलिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ इस बात पर इतफाक था दोनों अतराफ का कि दो तरफा तावन बढ़ाने की जरूरत है ताकि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए काम किया जा सके। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर को अमन और दोस्ती की सरहद करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर के ऊपर बेहतर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ताकि दहशतगर्द जो है दोनों ममालिक के बरादराना जो तवील मुद्दत के ताल्लुकात और दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान जो है कोई किसी किस्म की के मसाइल पैदा ना कर सके। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने जोर दिया कि दोनों ममालिक की मुद्दत आपने हमें अपडेट किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर तावन बढ़ाने की भी जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया।